उन्होंने 4 साल में सबसे बड़ी चमक बिखेरी। अटलांटिक पर रेडियो ब्लैकआउट का कारण बना। सौर चमक सूर्य में एक नए चक्र की शुरुआत का प्रतीक है, जिसने जिसने पृथ्वी के वायुमंडल के शीर्ष को आयनित किया। सूर्य जो ऊर्जा का एक स्रोत है, कभी कभी हमारी ओर फेंके जाने वाले घातक विकिरणों का केंद्र हो सकता है। ऐसा ही एक विस्फोट 3 जुलाई को AR 2838 नामक सनस्पॉट से हुआ था। स्पेस वेदर प्रेडिक्शन सेंटर ने कहा कि 2017 के बाद से सबसे बड़ा सोलर फ्लेयर रेडियो ब्लैकआउट का कारण बना। सनस्पॉट AR 2837 सूर्य की सतह के माध्यम से फट गया और 4 वर्षों में सबसे मजबूत सौर चमक 1x1.5 श्रेणी का विस्फोट हुआ। सनस्पॉट जो अब चला गया है, तारे के उत्तरी पश्चिमी अंग के ऊपर आ गया है और अगले कुछ हफ्तों में सूर्य के दूर की ओर बढ़ने। तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे बच्चों को गाली सिखानी है। बाय। जिससे अटलांटिक महासागर के ऊपर एक शॉर्ट वेव रेडियो ब्लैकआउट हो गया। हानिकारक उपकरण और विद्युत प्रसारण के लिए जाना जाता है। 3 जुलाई की चमक निराश नहीं हुई, क्योंकि इसने एक रेडियो विस्फोट, एक आयनोस्फेरिक बड़ी जमीन में विद्युत धाराओं की वृद्धि और स्थानीय चुंबकीय क्षेत्रों का विक्षेपण उत्पन्न किया। रिपोर्टों के अनुसार भड़कने से पृथ्वी के वायुमंडल के शीर्ष का आयनीकरण हो गया और धाराएं ग्रह की सतह से 60 किलोमीटर से 100 किलोमीटर ऊपर प्रवाहित हुई, जिससे ध्रुवीय चुंबकीय क्षेत्र बदल गया। सोलर फ्लेयर क्या है? एक सौर भड़कना सूर्य की सतह पर एक अचानक तेजी से और तीव्र विस्फोट है। जब चुंबकीय क्षेत्र में संग्रहित ऊर्जा की भारी मात्रा में अचानक जारी कर रहे होता है कि विस्फोट ब्रह्मांड की लंबाई और चौड़ाई में विकिरण उत्सर्जित करता है, जिससे उन्हें सौर मंडलों में ग्रहों की ओर नुकसान होता है। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। लाखों 100 मेगाटन हाइड्रोजन बम के बराबर हो सकती है। हालांकि यह सूर्य द्वारा प्रति सेकंड उत्सर्जित कुल ऊर्जा का 10वां हिस्सा है। सौर चमक के 3 चरण है। पहला पूर्ववर्ती चरण, जहां चुंबकीय ऊर्जा की रिहाई नरम एक्सरे उत्सर्जन के साथ शुरू होती है। दूसरा चरण, जिसे इम्पल्सिव कहा जाता है, वह है प्रोटोन और इलेक्ट्रॉन को 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर ऊर्जा में त्वरित किया जाता है। तीसरा चरण एक्सरे में क्रमिक निर्माण और क्षय है। इन चरणों की अवधि कुछ सेकंड जितनी छोटी हो सकती है या घंटों तक बढ़ सकती है। वैज्ञानिक अपने एक्सरे चमक के आधार पर सौर ज्वालाओं को वर्गीकृत करते हैं और उन्हें 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। 3 जुलाई को जो सौर ज्वाला भड़की वह एक्स क्लास प्लेयर थी, जो सबसे बड़ी है। इस प्रकार के प्लेयर्स में रेडियो ब्लैकआउट को ट्रिगर करने की क्षमता होती है। मध्यम वर्ग के प्लेयर्स को M+ दिया गया है, नाम दिया गया है, और ये पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों को प्रवाहित करते हैं। इस बीच पृथ्वी पर न्यूनतम प्रभाव वाले सी क्लास फ्लेयर सबसे छोटे हैं। इसरो ने हाल ही में लगभग 100 माइक्रो फ्लेयर देखे थे, जो सूर्य पर कोरोनल मास हीटिंग के बारे में नई अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। कोरोना पराबैंगनी एक्सरे उत्सर्जित करता है और इसमें 2 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक तापमान पर आयनित गैस होती है। फनी वीडियो देख लिया तो लेफ्ट वाली वीडियो को क्लिक करें, और अगर स्पेस वीडियो देखनी है तो राइट वाली प्लेलिस्ट को क्लिक करें। थैंक्स।